स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल पहले के हमने कंसेप्टोनॉमिक सीरीज में जीडीपी के बारे में बात करी थी जीडीपी देखा था कि क्या होता है उसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है फिर हमने उसी का एक सबसेट पढ़ा था ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है और जीडीपी में क्या इंपॉर्टेंट होता है देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट वट इज़ नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड वट इज डेप्रिसिएशन ये सारी चीज़ें अभी तक हम सीख चुके हैं आज इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक हम बात करने वाले हैं विच इज़ ग्रॉस वैल्यू एडेड अब ये ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है इसका इम्पैक्ट क्या होता है व्हाट डज इट सिग्निफाई किस तरीके से ये डिफरेंट है जीडीपी से एंड विच इज द बेटर पैरामीटर टू नो और टू वॉच द ग्रोथ ऑफ द कंट्री भाई जीडीपी ज्यादा अच्छा पैरामीटर है कि जीवीए ज्यादा अच्छा पैरामीटर है इन सारी चीज़ों को एक बारे में हम बात करेंगे आज अपनी कंसेप्ट इटोनॉमिक सीरीज के लेक्चर ग्रॉस वैल्यू एडेड में तो सबसे पहले जो रिचुअल होता है हमारा कि हम एक बार लेते हैं कि जीडीपी क्या होता है तो जीडीपी की अगर हम बात करें करे, तो इट इज ऑफ सर्विस गुड्स एंड सर्विसेज याद आया ठीक है अब हम चलते हैं कि वॉट इज जीवीए तो ये तो था जीडीपी अब जीवीए क्या होता है जीवीए का फुल फॉर्म इज ग्रॉस वैल्यू एडेड ठीक है विच मेजर्स दी टोटल वैल्यू एडेड कितनी वैल्यू एड करी गई है बाय दी डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ दी इकोनॉमी ठीक है ना नाम से ही समझ आ रहा है ग्रॉस वैल्यू एडेड भाई कितनी वैल्यू एड करी गई है किसके द्वारा बाय डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या होते हैं जैसे कि प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर टर्सट्री सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर इन्होंने रिस्पेक्टिवली कितनी वैल्यू ऐड करी है एक साल में एक इकोनॉमी में वो हम कहा देखते हैं ग्रॉस so वैल्यू है तो है भाई जो आउटपुट आया उसकी वैल्यू उसमें से घटा देंगे क्या जितना भी रॉ मटेरियल लगा था उसको बनाने के लिए सो so मान लीजिए ये शुगर है ठीक है इसकी वैल्यू थी कितनी बीस रुपए इसको यूज किया और हमने प्रोसेस करके बनाई शुगर तो इस शुगर और इस स्टेज पे अगर हम देखें तो कितना वैल्यू एडिशन हुआ सो वैल्यू ऑफ शुगर कितनी है पचास रुपए पचास में से हम कितने पैसे घटा रहे हैं बीस रुपए तो so, कितनी वैल्यू एडिशन हुआ इस स्टेज पे तीस रुपए का वैल्यू एडिशन हुआ अब हम इस शुगर को यूज करके क्या बना रहे हैं हम इस शुगर को यूज करके बना रहे हैं आइसक्रीम आइसक्रीम की वैल्यू क्या है सौ रुपए ठीक है उसको बनाने के लिए शुगर यूज हुई थी उसकी वैल्यू कितनी थी पचास रुपये तो अगर हम इस स्टेज पे बात करें अगर हम इस स्टेज पे बात करें तो कितना वैल्यू एडिशन हुआ है हंड्रेड माइनस फिफ्टी विच इज रुपीज फिफ्टी तो अगर हम फॉर्मूला भी देखें तो वैल्यू एडेड इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ आउटपुट भाई आपके आउटपुट का वैल्यू क्या है उसमें से हम किसको रिड्यूस कर देंगे वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब हमने क्या रॉ मटेरियल्स यूज़ किए हैं उसको उसकी वैल्यू को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा वैल्यू एडेड अब हम टोटल वैल्यू एडेड या ग्रॉस वैल्यू एडेड कैसे कैलकुलेट करेंगे जब हम इस स्टेज पे कितनी वैल्यू एड हुई थी और इस स्टेज पे कितनी वैल्यू एड हुई उसको हम जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड तो हमने थर्टी प्लस फिफ्टी किया तो हमारे पास टोटल आया एटी सो एटी इज़ दी ग्रॉस वैल्यू एडेड इन एन इकोनमी इन एन ईयर एक साल में इतनी वैल्यू एड हुई ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ठीक है चलो ये तो हो गया हमारा डेफिनेशन पार्ट जीवीए ऑल्सो की हर सेक्टर ने जीवीए और क्या बताता है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड कितनी हुई कितनी वैल्यू एडिशन हुआ इकॉनॉमी में बाई डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी तो जो ये प्राइमरी सेक्टर है हमारे देश के ये जो फिगर्स है वो ये है एक्चुअल फिगर्स कि हमारे देश में जो प्राइमरी सेक्टर है वो कितनी वैल्यू ऐड करता है समवेयर अराउंड 18.8 परसेंट जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो सेकेंडरी सेक्टर भी बोला जाता है हाउ मच वैल्यू डज इट ऐड इट एड्स अप टू समवेयर अराउंड 14 टू 15 परसेंट एंड जो हमारा सर्विस सेक्टर सर्विस सेक्टर क्या होता है जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो एड मतलब जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को स्मूथ फंक्शनिंगली में जैसे कि बैंकिंग सर्विस भाई अगर एग्रीकल्चर में फार्मर प्रोड्यूस कर रहा है तो उस उस प्रोड्यूस को गांव से शहर में लाने के लिए कौन सी सर्विस चाहिए हमें चाहिए ट्रांसपोर्ट सर्विस तो ये सारा जो सेक्टर होता है ये टर्शरी सेक्टर होता है सर्विस सेक्टर होता है एंड हाउ मच वैल्यू डज सर्विस सेक्टर और टर्शरी सेक्टर एज टू कंट्री सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन इस सेक्टर का है सबसे ज़्यादा वैल्यू एडिशन हमारा इस सेक्टर से आता है इकोनमी में नेक्स्ट इज अगर हम जीडीपी और जीवीए को कंपेयर करें तो किसका बेटर हैंड है या क्या डिफरेंस बेटर हैंड तो हम बिल्कुल एंड में बताएंगे कि क्या बेटर मेजरमेंट है या क्या बेटर पैरामीटर है टू नो दी ग्रोथ ऑफ द कंट्री बट अभी एक बार हम देख लेते हैं कि क्या जब हम जीडीपी और जीवीए को कंपेयर करेंगे तो जब हम जीवीए की बात करते हैं तो जीवीए में हम क्या चीज देखते हैं कि कितना वैल्यू बेस्ड जीवीए किस बारे में बात करता है जीवीए कंट्री की जो ग्रोथ है उसको किस तरीके से जीवीए आ... और जीडीपी में क्या डिफरेंस है जो जीवीए है इट कंट्री कौन से पर्सपेक्टिव से कितना वैल्यू एडिशन हुआ है ठीक है ना कि जितना वैल्यू एडिशन होता जाएगा उतनी ग्रोथ बढ़ती जाएगी सो so, जीवीए किस तरीके से ग्रोथ देखता है कंट्री की वैल्यू बेस्ड अप्रोच से लेकिन जीडीपी किस तरीके से देखता है जीडीपी मेजर्स दी कंट्री ऑन दी बेसिस ऑफ जीडीपी मेजर्स दी कंट्री ऑन दी बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते थे जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बन तो जीडीपी क्या कर रहा है प्रोडक्शन होगा उसकी वैल्यू हम प्लस करेंगे और क्या निकाल देंगे जीडीपी जीवीए में क्या कर रहे हैं जितना वैल्यू एडिशन हो रहा है किस तरीके से देख रहे हैं हम ग्रोथ को जितना वैल्यू एडिशन हो रहा है उतनी ही ग्रोथ होगी कंट्री की उस तरीके से नापा जाएगा कंट्री की ग्रोथ को और क्या डिफरेंसेस हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एड्स अप दी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसिंग एन इकोनॉमी आफ्टर डिडक्टिंग दी इनपुट कॉस्ट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं दोनों के कैलकुलेशन में क्या डिफरेंस है ग्रॉस वैल्यू एडेड का हमने देखा था ना किस तरीके से कर रहे थे हम कर रहे थे इस तरीके से कि जितना वैल्यू एडिशन हो रहा है जितना वैल्यू एडिशन हो रहा है जब उनको ऐड कर देते हैं और उसमें से क्या रिड्यूस कर रहे थे हैं हम रॉ मटेरियल की कॉस्ट इंटरमीडिएट कंज़म्पशन की कॉस्ट तो इस तरीके से तो हम कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रॉस वैल्यू एडेड ठीक है एज जब हम जी की बात करते हैं तो हम किस तरीके से जी डी कैलकुलेट करते हैं जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ है हमारा गुड्स एंड सर्विसेज बनने में जब हम उसको कम्बाइन कर देते हैं जब हम सारे एक्सपेंडिचर जो हमारे हुए हैं किस लिए गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए जब उसको कम्बाइन कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अब चलते हैं कि अभी तक हमने देखा था कि ये ये किस किस तरीके तरीके से से है 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 क्या भी अब अब हम वो तो स्टूडेंट्स जीडीपी एंड जीवीए सो जीडीपी डिराइव कैसे होता है तो so जीडीपी को का एक तरीका कैलकुलेट करने का ये एक्चुअली जी डी पी कैलकुलेट तीन तरीके से होती है वन ऑफ द वेज विदेल्प ऑफ जी वी ए तो फॉर्मूला है ग्रॉस वैल्यू एडेड में क्या कर देंगे प्लस हम टैक्सेस अर्न बाई दी गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने जितने भी टैक्सेज अर्न किए थ्रू आउट द ईयर में उसको हम ग्रॉस वैल्यू एडेड में एड कर देंगे उसमें से क्या रिड्यूस करेंगे जितनी भी सब्सिडीज दी है गवर्नमेंट ने थ्रू आउट द ईयर उसको रिड्यूस कर देंगे भाई जितनी इनकम हुई है गवर्नमेंट को वो एड होगी जितने खर्चे हुए हैं जो सब्सिडीज है जो आउटफ्लो ऑफ मनी है उसको रिड्यूज कर देंगे ठीक है तो अब इससे क्या चीज़ सामने आ रही है निकल के तो मान लीजिए दिस इज जीवीए ये जीवीए है ये टैक्सेस है ये सब्सिडी है ये सिचुएशन वन लीजिए ठीक है सिचुएशन वन में हम देख रहे हैं कि जो जीवीए है वो हंड्रेड है टैक्स का जो कलेक्शन हुआ है वो फिफ्टी रुपीज़ का हुआ है एंड जो सब्सिडीज है वो ट्वेंटी है तो हंड्रेड प्लस फिफ्टी वन फिफ्टी माइनस ट्वेंटी तो क्या आया वन थर्टी तो हम जब ये देख रहे हैं कि जब टैक्सेस का कलेक्शन सब्सिडीज से ज़्यादा है तब हमारा जो जीडीपी है वो जीवीए से ऊपर होता है मतलब ज्यादा होता है सो so, अब आप देख रहे हो वन थर्टी हंड्रेड से ज्यादा है ना तो वन थर्टी हंड्रेड से ज्यादा कब होगा जब टैक्स कलेक्शन इज मोर देन द सब्सिडी दैट द गवर्नमेंट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग अब हम सेकेंड केस लेके देखते हैं एक बार ये सेम जीवीए ठीक है जीवीए है ये ये क्या हो गए ये टैक्सेस हो गए ये सब्सिडीज अब इस केस में क्या हो रहा है टैक्सेस कम आए लेकिन गवर्नमेंट ने सब्सिडीज ज्यादा दे दी तो इस केस में क्या हो रहा है अगर आप देख रहे हो जो जी जो पी है वो जीवीए से कम है मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड लेकिन जी डी पी ऑफ कंट्री लेस है ठीक है कैसे हो रहा है फॉर्मूला फिर से देखते हैं जीवीए क्या जीडीपी uh, क्या होता है जीवीए प्लस टैक्स अर्न एंड सब्सिडीज को रिड्यूस कर दो तो अब आपको क्या समझना है इससे कि जब भी गवर्नमेंट टैक्सेस ज्यादा कलेक्ट कर लेती है और सब्सिडीज कम देती है देन द जी डी पी एक्सीड्स द जी वी बट जब गवर्नमेंट टैक्सेस कम कलेक्ट कर पाती है और सब्सिडीज ज़्यादा दे दे उस सिचुएशन में जो जी डी पी है वो फॉल कर जाता है एंड जी वी ए हमारा बढ़ जाता है मतलब बढ़ नहीं जाता एक्चुअली जी डी पी लेस हो जाता है जी वी ए से बट अगर आप मुझसे एंड में मैंने आप अब अगर आप मुझसे एक चीज़ पूछे कि मैम जीडीपी और जीवीए में से बेटर पैरामीटर क्या है मेजरमेंट का ग्रोथ को अगर हमें मेजर करना है कंट्री की तो विच इज़ दी बेटर पैरामीटर क्या जीडीपी बेटर पैरामीटर है या जीवीए बेटर पैरामीटर है तो स्टूडेंट्स आई वुड से कि जीवीए जो है ग्रॉस वैल्यू एडेड है दैट इज द बेटर पैरामीटर टू जज द ग्रोथ ऑफ़ द कंट्री क्यों क्योंकि ग्रोथ ऑफ द अगर हम जीडीपी के हिसाब से देखें तो जीडीपी तो ऐसे भी तो बढ़ सकता है आप ये देखिए अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूं ये सारी चीजें ठीक है तो ये मान लीजिए जी GVA हो गया हंड्रेड और टैक्सेस का कलेक्शन हो गया समवेयर अराउंड वन फिफ्टी और सब्सिडीज गई माइनस ट्वेंटी ठीक है तो आपका जीडीपी क्या आया आपका जीडीपी क्या आया हंड्रेड प्लस वन फिफ्टी टू फिफ्टी टू फिफ्टी माइनस ट्वेंटी टू थर्टी तो आप देखो क्या ये एक्चुअल ग्रोथ हो रही है या टैक्स कलेक्शन की वजह से हमारा जी बढ़ा है किस वजह से जी बढ़ा है जीवीए तो यहाँ भी सेम है जीवीए तो यहाँ भी सेम है तो जो ग्रोथ दिखा रहा है जो जी ग्रोथ जी में ग्रोथ दिख रहा है वो किस वजह से दिख रहा है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन दी टैक्स कलेक्शन सो दैट इज वेयर आई से कि जी डी पी जो है वो एक्चुअल हमको शो नहीं करता है कि हाउ द कंट्री इज ग्रोइंग जो एक्चुअल पैरामीटर टू नो और गॉज दी ग्रोथ ऑफ द कंट्री इट इज दी ग्रॉस वैल्यू एडेड सो आई होप आपको इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए होंगे हमने एक्चुअली सारे कॉन्सेप्ट जी डी पी से लेके जी वी ए एन एन पी जी एन पी सब कैलकुलेट कर लिया है इससे रिलेटेड अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको कहाँ पे विजिट करना है आई यू हैव टू विजिट माई टेलीग्राम चैनल और दी इंस्टाग्राम चैनल अगर टेलीग्राम चैनल की बात करें तो इट इज इकोनॉमिक्स विद नान की एंड इंस्टाग्राम की बात करें दट इज़ नान की अंडर स्कोर बी ट्वेंटी टू सो स्टे ट्यून फॉर मोर सच कॉन्सेप्ट एंड ऑल दी बेस्ट स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल